Hello guys and welcome to Niptex. So as per the discussion and as per the request from my group members, actually मैंने एवरी फ्राइडे एक मल्टीपेगर शेयर के बारे में डिस्कस करने का सोचा हूँ. ठीक है, तो एवरी फ्राइडे एक ही स्टॉक, ठीक है, और मल्टीपेगर स्टॉक. सो एवरी फ्राइडे वी विल डिस्कस अबाउट सिंगल मल्टीपेगर स्टॉक. ओके, तो ओके आज का स्टॉक है. अच्छा, कंपनी बताने का पहले आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज 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 टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ऐसा स्टॉक आपको कहीं और नहीं मिलेगा. मैं ये गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ आप लोग को, ठीक है, कहीं पे भी और नहीं मिलेगा. ठीक है, तो मल्टीपेगर अपॉर्चुनिटी ऐसा कहीं नहीं मिलेगा. सो प्लीज टू सब्सक्राइब. ओके, सो आज का स्टॉक है एमएसटीसी. ठीक है, अभी 310 320 प्राइस चल रहा है. सो बुक वैल्यू 79 का है, चार गुना है उससे प्राइस. ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट ए बिग थिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज काम क्या करती है कंपनी. कंपनी ऑक्शन का काम करता है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसका बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है. ऑक्शन करते किसका, गवर्नमेंट का जितना आपका प्रोडक्ट है वो सारे चीजों का ऑक्शन करते रहता है. इट इज समथिंग लाइक इनिशियल इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट का इन द रिटेल डायरेक्शन. ओके, अगर एमएसटीसी में आप जाओगे, सो इसमें आपका एफआईआई भी अपना पोजीशन इंक्रीज करना स्टार्ट कर चुके हैं. अगर आप देखोगे गवर्नमेंट के एक रिटेल का सो इट इज ए मिनी रत्न कंपनी, और इसने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का अंडर में है. डेफिनेटली कंपनी ऑक्शन के बारे में काम करते है, एक्सपोर्ट ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द फेरस कैप. ओके, तो एक्सपोर्ट करने में काम करता है. ठीक है, फेरस जो मटेरियल्स है उसको एक्सपोर्ट करता है. सो सेल जो सपोज मटेरियल बनाया उसको एक्सपोर्ट ये करता है. जबकि आपको पता है कि ये कंपनी अभी मतलब चाइना रिड्यूस करने वाला है एक्सपोर्ट, तो डेफिनेटली ये कंपनी को प्रॉफिट होगा क्योंकि ये उसका एक्सपोर्ट करेगा मेटल प्रोडक्शन मेटल को. ठीक है, तो मैं तो खरीदा हूं एमएसटीसी. अगर हम लोग देख लेंगे तो हाँ, अभी काफी हाई तक चला चुका है, 320 रुपया तक चला गया है, लेकिन ये और भी ऊपर जाने वाला है. मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा कंपनी बनने वाला है ये. ठीक है, ये तो कुछ ही नहीं है, ये तो अभी जर्नी स्टार्ट ही है. ठीक है, कम से कम 500 रुपया तो मिनिमम इमीडिएटली मैंने इस साल का एंड तक का उसका टारगेट देख रहा हूँ. ठीक है, तो अच्छा कंपनी है, अच्छा कंपनी को कोई भी प्राइस में खरीदना चाहिए गाइस, कभी छोड़ना नहीं चाहिए. सो यही मान लो कि ये कंपनी बहुत बड़ा कंपनी बनने वाला है. ठीक है, तो गाइस ओवरऑल मुझे कंपनी अच्छा लगा, चार्ट पैटर्न भी अच्छे है, डेली में अगर वीकली में भी देखेंगे कि जस्ट ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है तो मुझे तो पसंद ही है कंपनी. मंथली में भी सेम स्टोरी दिख रहा है. ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है और पर्सपेक्टिव भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे. तो काफी डिस्काउंटेड वैल्यू में मिल रहा था, कुछ दिन पहले मैंने खरीदा था 280 का आसपास, तो अभी भी डिस्काउंटेड ही है क्योंकि प्राइस तो आपका 390 तक गया था, तो अभी भी डिस्काउंटेड है, काफी डिस्काउंटेड है. ठीक है, तो कंपनी अच्छा लग रहा है मुझे, रिटेल का कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, देख सकते हो. अगर बाय करना है तो बाय कर सकते हो. ठीक है, एंड अदर्स इन योर हैंड, जस्ट टेक ए कॉल अकॉर्डिंगली, टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड टेक ए कॉल अकॉर्डिंगली. ओके, एंड अगर आपको ऐसे ही निपटेक्स का ग्रुप में चुनना है, टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप निपटेक्स का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो. और
प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल, इट मोटिवेट्स अस, प्लीज टू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।